तो गाइस सिंपल तरीके से आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड रखना है और आप स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हो। अब ये तरीका जो रहता है ये तो रहता है सारे फोनों के लिए, मतलब आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप ये तरीका अपनाइएगा और आपके फोन के अंदर स्क्रीनशॉट आप टेक कर सकते हैं। गाइस इसके अलावा आपको काफी सारे जेस्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप थ्री फिंगर स्वाइप डाउन स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हैं गाइस, इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा आपको काफी सारी सेटिंग्स देखने को मिल सकती हैं, तो वीडियो को देखें आप, आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है गाइस। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस यहां पे एडिशनल सेटिंग्स का, ठीक है। तो एडिशनल सेटिंग्स पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एडिशनल सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं सर, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे बटन शॉर्टकट्स का, तो बटन शॉर्टकट पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप बटन शॉर्टकट पे क्लिक करते हो गाइस, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने काफी सारे जेस्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। लॉन्च कैमरा, ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे गाइस आप यहाँ पे देखोगे ना, आपके सामने स्क्रीनशॉट हो रखा है स्लाइड थ्री फिंगर्स डाउन, आप थ्री फिंगर्स को डाउन करेंगे इस तरीके से तो आपका स्क्रीनशॉट टेक हो जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे तो आपको आप इसको कर सकते हैं लॉन्ग प्रेस द होम बटन, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं इसको, ठीक है, इसको रिप्लेस करते हैं तो आपका जो होम बटन है इसको आप प्रेस एंड होल्ड रखेंगे और आप स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हैं। तो ये जेस्चर्स भी आपको काफ़ी एक अलग तरीके का फील देगा। उसके बाद आप यहाँ से देखोगे तो लॉन्ग प्रेस द मेनू बटन, ये भी कर सकते हैं आप। लॉन्ग प्रेस द बैक बटन, तो इस पर क्लिक करके अगर आप बैक बटन को प्रेस एंड होल्ड रखेंगे तब भी आप स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हैं। तो ये तरीके से आपको काफ़ी सारे जेस्चर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको मतलब बेस्ट जो जेस्चर्स रहने वाला है वो थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट काफ़ी आपके लिए, तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आप कैसे स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइज मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इसके अंदर लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता दूँ। अगर आपको सपोज करो कि आप यहाँ पर सेटिंग्स में हैं और एक लॉन्ग पेज है, ठीक है, इसके अंदर आप स्क्रीनशॉट टेक करना है आपको, तो यहाँ पे आपको थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्क्रॉल का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लें आप तो आपके सामने ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होगा यहाँ तक आपको चाहिए, वहाँ पे जाके इसको आप डन कर दें। जैसे आप इसको डन कर देंगे तब आपके सामने यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट टेक हो जाता है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको शेयर कर पाएंगे, यहाँ से आप इसको क्रॉप करेंगे, ठीक है, जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट कर सकते हैं इसके ऊपर कुछ, ठीक है, यहाँ से इसको ब्लर कर सकते हैं, यहाँ से आपको इसको ब्लर वगैरह करना हो, तो इस प्रकार से अपने स्क्रीनशॉट को कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो भी बोले आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अपने स्क्रीनशॉट के साथ कैसे छेड़खानी कर सकें। तो गाइज मिलते हैं आपसे किसी अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय एंड